तो अपनी गाड़ी का मैंने अभी स्टेरिंग निकाल रखा है आ, निकाला खैर मतलब अभी आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा क्या क्या वीडियोस में खैर देने वाला हूं बट बेसिकली आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कई बार अपने को गाड़ी में चाहे कोई सी भी गाड़ी हो उसमें केवल एयरबैग की लाइट आती है और एयरबैग की लाइट आने के बाद में हमें नाइनटी नाइन परसेंट खैर यही बोला जाता है कि आपका क्लॉक स्प्रिंग खराब है और एयरबैग वाली गाड़ियों में क्लॉक स्प्रिंग कुछ इस तरह का दिखता है अभी जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये चीज जो है ये क्लॉक स्प्रिंग है क्लॉक स्प्रिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आ, जब इसको, इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा यहाँ पे इस साइड में गाड़ी में कुछ इस तरह से ये लगा रहता है आपका तो जिस टाइम पे आपका स्टेयरिंग घूमेगा क्लॉक स्प्रिंग साथ में घूमेगा अभी मैंने सेलोफिन टेप लगा रखी है इस पर आपको अभी वीडियो में आगे पता चलेगा कि क्यों लगाई है मैंने ये वाला हिस्सा जो है स्टेयरिंग के साथ में ही घूमता है और ये वाला हिस्सा फिक्स रहता है उससे होता यह है कि वायर वायर नहीं कटती है बट क्लॉक स्प्रिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके अंदर में जो वायर होती है यहां पर आपको दिखाता हूं अगर मैं दिखा पाऊं तो इसके अंदर में भी आपको एक ये छोटा सा टुकड़ा दिखेगा वायर का छल्ला भी बोल देते हैं इसको तो इसके खुद के कटने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं अगर इसकी इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं हुई तो इंस्टॉलेशन में बोलूं तो इसके फिक्स सर्कल होते हैं कि ढाई चक्कर घूमेगा कि डेढ़ चक्कर घूमेगा एक बार लेफ्ट में या राइट में उतना ही इसकी लिमिट होती है अगर उससे ज्यादा इसको स्ट्रेच किया गया किसी भी साइड में तो इसकी जो इंटरनल वायर होती है वो आपका टूटने का चांस रहता है उसकी वजह से आपकी एयर बैग की लाइट जो है नाइनटी गाड़ियों में आती है तो एक तो आपको ध्यान रखना कि अगर आप घर पर बदल भी रहे हैं इसको खोलना चढ़ाना इसको इतना इजी नहीं होता जो भी बैग से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनके कप्लर कुछ स्पेशल आते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये आपको एक कपलर दिख रहा है इस तरह के कपलर आपने बहुत ही कम देखे होंगे गाड़ियों में इन कपलर्स को निकालते टाइम पे 80 परसेंट ऑफ द मतलब मैं टेक्नीशियंस बोलूं तो वो गलती करते हैं उसकी वजह से ये टूट जाते हैं लॉक वगैरह टूट जाते हैं इनके या फिर कुछ और समस्याएं पैदा होती हैं उसकी वजह से भी आपका एयरबैग की लाइट्स वगैरह आती हैं ये कपलर एक स्पेशल हो गया एयरबैग में नाइन्टी जितने भी एयर हैं उनमें स्पेशल कपलर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि एयरबैग का अपना ही मैकेनिज्म अपना ही फंडा है ये वाला कपलर देखेंगे इस तरह का कपलर आपने बहुत कम देखा होगा ये अलग ही मकानिज्म है इसका इस वाले का और इसके साथ में ये लगता है इनके कलर भी अजीब से होते होते हैं इनका भी अजीब से एयर बैग में गाड़ी में जब भी आप काम करते हैं जिस टाइम पे भी बेसिक चीजें यही होती हैं दो पहला तो कपलर को खोलना चढ़ाना ये आना चाहिए अच्छे तरीके से दूसरा क्लॉक स्प्रिंग की सही इंस्टॉलेशन और उसका सही रिमूवल अगर आपको रीयूज करना है तो अगर इसके साथ में आप डायरेक्शंस के साथ में इसकी ओरिजिनल सेटिंग्स के साथ में छेड़ा छाड़ी करते हैं तब नुकसान होते हैं गाड़ी में कभी भी अगर एयरबैग की लाइट आती है तो आपको कोड्स आते हैं उन कोड्स से पहचाना जा सकता है कि मॉड्यूल खुद खराब है क्लॉक स्प्रिंग ख़राब है वायरिंग में इशू है क्या है वो आप देख सकते हैं मेनली कप्लर्स वगैरह में जो इसके कपलर होते हैं उनमें इशू आता है या फिर क्लॉक स्प्रिंग में इशू आता है एयरबैग के केस में तो एयर बैग के साथ में आप जब भी डील कर रहे हैं किसी भी गाड़ी में तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमेशा आपको पहले निकाल देना है कोई भी गाड़ी हो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकालने के बाद में अगर स्पेशली एयरबैग के ऊपर में आप काम कर रहे हैं एटलीस्ट थ्री मिनट्स वेट कीजिए सर कम से कम तीन मिनट तक एयरबैग से रिलेटेड कोई काम मत करिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकालने के बाद में क्योंकि कैपेसिटर्स वगैरह जो होते हैं एनर्जी स्टोर रहती है और उसके बाद में इसको एक्टिवेशन होने के चांसेज हो जाते हैं तो आप इसको एज अ मतलब एक स्पेशल चीज जो है वो ट्रीट करिए इसके साथ में जबरदस्ती मत करिए निकालने के टाइम पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे धक्का मुक्की नहीं चलती है एयरबैग्स के केस में दूसरा क्या है ये फ्लेमेबल होते हैं तो इसको फायर वगैरह के पास में मतलब जिस तरह से भी इसको डील इस तरह से करिए कि प्यार से पटकिए मत इसको पटकते हैं तब भी इसके खुलने के चांसेस रहते हैं इसको स्पेशल चीज की तरह ही अगर आप डील करेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा प्यार से उठाइए प्यार से रखिए महबूबा की तरह राइट तो इसके साथ में बिना मतलब की छेड़ा छाड़ी करना अच्छी चीज नहीं होती है इसके अंदर क्या क्या माल मसाले होते हैं खैर वो तो आने वाली बोतोज में बात करेंगे बेसिकली अगर आप घर पर ये काम कर रहे हैं तो उसके केस में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है क्या क्या चीजें किस तरीके से करनी है वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने निकाल दिया है और अब मुझे एटलीस्ट थ्री मिनट्स तक वेट करना है अपने एयरबैग के सिस्टम पे काम करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि एयरबैग जो आपके होते हैं कभी भी जो हॉर्न पैड आपका होता है कई गाड़ियों में पुल करके निकल जाता है खाली खींच के एयरबैग वाली गाड़ी में कोई सी भी हो हमेशा एयरबैग जो होता है किसी ना किसी स्क्रू से या किसी ना किसी स्प्रिंग से हमेशा टाइट रहता है तो आपको जो स्क्रू हैं या फिर कोई होल्स वगैरह हैं वो आपको ढूंढने हैं वो आपको स्क्रूज वगैरह वहाँ से निकाल लेने हैं कुछ गाड़ियों के जो पैड होते हैं उनके नीचे में यहाँ पे भी स्क्रूज लगे रहते हैं यहाँ पे जैसे टियागो वगैरह में आप देखेंगे तो नीचे में आपको स्क्रू मिलेंगे तो ये जब भी असेंबली आप खोलें तो इसको पूरा आपको फ्री कर लेना है जैसे नॉर्मल गाड़ियों में हम खाली खींच लेते हैं इसको एयरबैग वाली गाड़ियों में खींचने से काम नहीं चलता है नुकसान ही होगा हंड्रेड तो ध्यान रखना है कि आपको पूरा हॉर्न पैड जो है अपना वो फ्री कर लेना है स्क्रूज वगैरह ढूंढ के तो ये जो गाड़ी गाड़ी है इस गाड़ी में यहाँ पे दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में दो बोल्ट लग रखे हैं स्टार एलन की खुलते हैं तो दोनों बोल्ट जो है अपने को पहले रिमूव करने हैं यहां पे देखेंगे ब्लू कलर का एक्चुअल में एंटीसीज लगा है तो ये एनटीसीज यूज करना भी अच्छा रहता है बोल्ट के ऊपर में तो अब जो दूसरी साइड का बोल्ट है ये भी अपने को रिमूव करना है तभी जाके मेरा जो एयरबैग जो है वो फ्री होगा कुछ गाड़ियों में यहां पे होल बने रहते हैं कवर के नीचे छुपे रहते हैं तो कवर खोलना पड़ेगा उस होल में आपको पेचकस घुसाना पड़ेगा अंदर स्प्रिंग होते हैं उनको लूज करना पड़ेगा तो अलग अलग तरीका होता है वो आपको जरूर ढूंढना तो अब जी अभी ये असेंबली फ्री हो चुकी है इसके बाद में हम आराम से इसको खींचेंगे एयर बैग को देख रहे हैं कितने प्यार से ये निकल रहा है मतलब कोई खींचा तानी नहीं और इसके नीचे में यहाँ पे जो कपलर लग रखा है इस कपलर को रिमूव करना ही सबसे पेचीदा काम है यहीं पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और यहीं पर टूटता है देखेंगे ऊपर में ब्लैक कलर का एक लॉक लग रखा है इस लॉक को रिमूव करना होता है और ये लॉक बड़े प्यार से निकलता है काफ़ी लोग इसमें पेचकस वगैरह घुसा देते हैं बिल्कुल गलत पेचकस वगैरह से इसको नहीं मतलब करना है वो तोड़ देता है इसको सबसे पहले आप देखेंगे सिंगल वायर यहां पे सिंगल वायर का जो कपलर है ये आपका हॉर्न का है इसको हम रिमूव कर लेंगे इसमें कोई मतलब परेशानी नहीं होती है, में जो कपलर लग रखा है, इसको करना है और यहां पर है, सकते हैं अब पेपर पिन से मैं खोल रहा हूँ तो सोचिए कितना सॉफ्ट होगा कितना डेलीकेट होगा तो पेपर पिन से इस ब्लैक कलर के लॉक को मैं ऊपर की तरफ में पुल कर रहा हूं मतलब इसको एक किस्म से धक्का भी दे रहा हूं ऊपर की में खींच रहा हूँ पेपर पिन यूज कर रहा हूँ मतलब ये समझ लीजिए कि कितना सॉफ्ट और कितना ये डेलिकेट होगा तब आपको एक डायरेक्शन चेंज करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है अभी मैंने इसको ऊपर की तरफ में टिल्ट किया जिस टाइम पे तो पेपर पिन से ऐसे इसको अभी लॉक मैंने रिमूव कर लिया है और यह खुलने के लिए तैयार है अब ये कपलर इतनी आसानी से खुलेगा कि मतलब कोई भी परेशानी नहीं बड़े प्यार से बाहर निकलता है इसको अगर आप तोड़ देते हैं यहाँ पे पिंस ख़राब कर देते हैं तब परेशानी हो जाती है और ये कपलर जब हमारा निकल चुका है वायर्स हम बाहर निकाल लेंगे वायर्स निकालने के बाद में एयरबैग असेंबली जो है वो हमारी बाहर आ जाएगी अब जब ये एयरबैग असेंबली बाहर आ चुकी है तो मैंने पहले ही आपको बताया बिल्कुल महबूबा की तरह इसको बड़े डेलिकेटली जो है प्यार से इसको स्टोर करिए पटकिए उटकीय नहीं कहीं फायर के पास में इसको मत रखिए प्यार से इसको स्टोर कीजिए उसके बाद में अपने को जब स्टेरिंग खोलना है आपके टायर्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए बिल्कुल सीधे स्टेयरिंग आपका स्ट्रेट होना चाहिए चाबी आप निकाल दीजिए और स्टेरिंग लॉक कर दीजिए इसमें आपको बहुत आसानी रहेगी स्टेरिंग को रिमूव करने में अब अपने को ये नट रिमूव करना है हर गाड़ी में अलग अलग साइज का होता है इस गाड़ी में यहां पे 18 एम mm एम का है तो 18 एम mm एम का सॉकेट में यूज करूंगा साथ में एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं और ये देख रहे हैं कितनी आसानी से यह खुलेगा क्योंकि स्टेरिंग मेरा इस टाइम पे लॉक है और लॉक पोजिशन में ही इसको मैं रिमूव कर रहा हूं पर याद रखिएगा इसको पूरा नहीं निकालना है ये जो नट है इसको पूरा नहीं निकालना है इसको निकालने से पहले बाहर मतलब पूरा डिससेम्बल करने से पहले आपको स्टेरिंग में थोड़ा सा इसको आ, मतलब मारना पड़ेगा हल्का हल्का क्या होता है कि एकदम जो इसके गेयर होते हैं वो साथ में फंसे रहते हैं अगर इसको आप नट को निकाल लेंगे और उसके बाद में अगर इसको पुल करेंगे तो ये पूरा आपके मुंह में लगेगा कि मतलब दांत तो तोड़ने का भी डर रहता है अब पता नहीं ना यार कितनी फोर्स से खोलेंगे आप तो क्या होता है कि अगर ये नट यहाँ पे लगा लगा रहेगा अगर उस, इस टाइम पे अगर मैं इसको खींचता हूँ मतलब हल्का हल्का अगर हाथ मारता हूं अबर तो उस इस टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी आप देखेंगे इसकी जो प्ले है यहाँ पे आ चुकी है स्टेरिंग में तो अब इस टाइम पे मैं इस नट को रिमूव कर सकता हूँ इजीली और उसके बाद में मेरा स्टेयरिंग आराम से खुल जाएगा तो ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखने वाली होती हैं तो अब इसको मैं नट को बाहर पूरा निकाल लेता हूँ फिर उसके बाद में आगे का आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ अब ध्यान रखने वाली चीज जो है बहुत जरूरी है अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक निशान बना है स्टेयरिंग व्हील के ऊपर में ये जो है ना ये एरो का एक निशान बना है मतलब स्ट्रेट निशान बना है साथ में ही आपके बोल्ट के ऊपर में भी एक निशान बना है तो ये निशान जो है स्टेयरिंग का अलाइन करने के लिए होता है कि स्टोर डेट की इधर उधर ना लग जाए फालतू में आपको ये ना लगे ऐसा कि यार स्टेयरिंग व्हील मेरा अलाइनमेंट नहीं है मतलब अलाइनमेंट बिगड़ गई है इसको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी होता है मान लो आपकी गाड़ी में ये निशान नहीं है यहां पे तो आपको मार्क्स जो है वो अपने एंड से बना लेने हैं मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से सो so डेट कि जब आप वापस लगाएं तो इसको एकदम अलाइंस पोजीशन में उसी पोजीशन में वापस फिट करें इस तरह के निशान कोई सा भी एक बना लेंगे आप तो ज्यादा बेटर रहता है कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है कि पूरा क्रॉस ही बनाना है एक जगह में कहीं पे आप निशान बना लीजिए सो देट कि आपको पता रहे कि मेरा स्टेयरिंग वापस कहाँ पे फिट होना है। मैक्सिमम गाड़ियों में कट होते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती अगर नहीं है तो वहां पे आप निशान लगा लेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है अब इस असेंबली को हम इजीली जो है वो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हमने प्लेस की जो थी वो पहले ही निकाल दी थी जो गेयर के साथ में था अटैच था उसको हमने पहले ही रिमूव कर दिया था इजीली आपका जो स्टीयरिंग व्हील है अब जो है वो रिमूव हो चुका है तो इस प्रोसीजर से आपको बहुत आसानी रहेगी अब जो आपको नीचे असेंबली दिखाई दे रही है ये आपका क्लॉक स्प्रिंग है क्लॉक स्प्रिंग हमेशा आपको जो आपकी एयरबैग वाली गाड़ियां होती हैं उनमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा अब सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो यही होती है क्लॉक स्प्रिंग को इंस्टॉल करने के या फिर रिमूवल करने के टाइम पे इसकी जो ओरिजिनल पोजिशन होती है उसके साथ में हम छेड़ा छाड़ी कर देते हैं क्योंकि देख रहे हैं ये अभी घूम सकता है इजिली क्योंकि हमने स्टेयरिंग अपना निकाल चुका है व्हील जो है हमने स्टेयरिंग व्हील निकाल दिया है तो इसकी अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है अगर आप तो री कर रहे हैं मतलब यही स्प्रिंग निकाल के आपको वापस लगाना है आपने किसी और पर्पज से जो है हाँ आपका स्टेयरिंग व्हील निकाल रखा है कुछ भी हो सकता है हो सकता है आपको रैक रिपेयर करना है या फिर डैशबोर्ड निकालना है कुछ भी करना है तो अगर आपको ये क्लॉक स्प्रिंग रीयूज करना है सबसे बेटर जो तरीका है वो यही है यहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम क्लॉक स्प्रिंग्स में जितने भी क्लॉक स्प्रिंग्स होते हैं वहां पे निशान बने होते हैं एरो के तो ये एरो का निशान आपको क्लॉक स्प्रिंग पे दिखाई देगा होगा ये जो मूविंग पार्ट है और यहां पे जो नीचे वाला जो पार्ट है इसका जो स्टैटिक पार्ट है वहां पे भी एक एरो का निशान है तो इन दोनों को अलाइन करके रखना होता है ओरिजिनल पोजीशन पे ही और इसी पोजीशन में आप जब भी क्लॉक स्प्रिंग रिमूव करें तो यहाँ पे एक सेलोफिन टेप लगा दें सो देट कि ये मूव ना करे मेरे पास में ये एक मास्किंग टेप लगा रखा हूं मैं तो इसको मैं यहाँ पे क्लॉक स्प्रिंग की जो आउटर असेंबली है मतलब जो स्टैटिक पार्ट है उसके साथ में चिपका के अपना जो क्लॉक स्प्रिंग की मूविंग पार्ट है उसके साथ में लगा दूंगा सो so दैट की अभी ये बिना मतलब से घूमे नहीं ठीक है देख रहे हैं मतलब अपनी पोजिशन में एटलीस्ट रहे वहां पर कारण क्या होता है कि इसकी एक लिमिट होती है अगर मान लो कि ये घूमता रहा घूमता रहा और उसके बाद में आपने एक्सेसिव इसको मूव कर दिया इसके अंदर में जो स्पाइरल केबल है यहां पे। तो ये स्पाइरल केबल अगर टूट गई तब भी आपका क्लॉक स्प्रिंग बेकार हो जाएगा फिर जिस भी पर्पज से आपने इसको खोला है वो पर्पज डिफाई हो जाएगा क्योंकि हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे फर्स्ट थिंग तो ये दूसरा क्या होता है कि इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रिमेंबर करना ज्यादा याद रखना जरूरी होता है क्योंकि अगर इसको हमने कहीं आधे रास्ते में ला के गलत पोजीशन पे अगर इसको इंस्टॉल कर दिया फिर ये क्या होगा केबल टूटने का 100 परसेंट चांस होता है क्योंकि जैसे आप स्टेयरिंग मोड़ेंगे इसके ऊपर में स्ट्रेस आएगा केबल पे उससे आगे ये घूम नहीं पाएगी और वहां पे जाके ये टूट जाएगी तो फिर आपका क्लॉक स्प्रिंग जो है वो चेंज होगा और ये सस्ते नहीं आते हैं महंगे ही होते हैं तो ये चीजें आपको खास ध्यान रखनी है अगर ये चेंज करना है तो जितने भी अपने को कवर ववर होंगे वो निकालने पड़ेंगे तो जैसे मेरी गाड़ी में अभी क्या है कि यहाँ पे यह स्क्रू लग रखे हैं तो स्टार एल इनकी के साथ में खुलते हैं तो ये स्क्रू रिमूव हो जाएंगे अपना अच्छा ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी गाड़ी का जैसे आप कोई कवर्स वगैरह रिमूव करते हैं जैसे इस गाड़ी में नीचे भी एक यहाँ पे स्क्रू लगता है तो वो आपको चीजें जरूर ध्यान रखनी है पूरा फ्री होना चाहिए नहीं तो हम खींचाता करते रहेंगे फिर वो टूट जाता है मामला अब इसमें ये ऊपर वाला कवर तो ऐसे ही खींच के निकल जाता है और ऊपर वाले में कोई स्क्रू व्रू नहीं है यहाँ पे नीचे वाला है अभी गिर गया क्योंकि हमने सारे इसके पेज जो है वो निकाल रखे थे तो यहां देखेंगे आप कि जैसे ये इस तरह से इस पोजिशन में लगा था तो यहाँ पे भी एक स्क्रू लगेगा तो अगर हम इसको ऐसे खींचते रहेंगे तो ये टूटने का यहां पे डर रहता है तो आपको कभी भी किसी भी गाड़ी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है चारों तरफ एक बार नजर माननी है कि कहीं पे पेच वगैरह कहां पे लग रखे तो ये जो अभी क्लॉक स्प्रिंग है यहां पे चार स्क्रू आपको देखने को मिलेंगे जो बंद रखा है एक ये है एक ये है और एक यहां पे है और एक यहां पे है ध्यान आपको यही रखना है अगर आपको इसको री करना है अब इस केस में ये फालतू में ऐसे ऐसे घूमने नहीं चाहिए तो हमने मास्किंग टेप यहां पे लगा दी है मतलब कोई भी सेलोफिन टेप आप लगा सकते हैं तो अब क्या है यह

एंड पोजीशन में एकदम बना रहे ये चारों स्क्रू जो हैं वो फिलिप हेड स्क्रूड्राइवर से खुलेंगे हर गाड़ी में लगभग यही मैकेनिज्म होता है ये खोलने के बाद में आपको इसको सेफली रख लेना जब इसके चारों स्क्रू निकल चुके हैं हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ऐसे उठा के पुल करेंगे तो हमारा क्लॉक स्प्रिंग बाहर आ जाएगा इस टाइम पे असली जो चीज है वो शुरू होती है मतलब असली परेशानी जो है वो अभी शुरू होगी मतलब अगर आपने यहाँ पे इस स्पॉट पे आके अगर गलती करी मतलब ये समझ लो काम खत्म क्योंकि अभी जो कपलर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही अजीब है यहां पे आप देखेंगे जो क्लॉक स्प्रिंग की वायर्स है ना ये इस कपलर के साथ में यहां पर आके जुड़ी है इसके साथ में अगर आप खींचा करते हो तो काम खत्म ये कपलर ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा नामुमकिन ही हो जाएगा मुश्किल तो क्या यार और सर्विस सेंटर वाले क्या है कि फिर अगर ये टूट फूट होती है यहाँ पे पूरी वायरिंग रिप्लेस करते हैं वो कपलर एक सिंगल निकाल के नहीं देंगे हाँ किसी पुरानी गाड़ी का मिल जाए जुगाड़ हो जाए वो अलग चीज है ये जो क्लॉक स्प्रिंग का कपलर है इसको आप ध्यान से देखेंगे अगर इस साइड में दो वायर जुड़ी हैं जो कि क्लॉक स्प्रिंग की तरफ जाती हैं और इस साइड में दो वायर जुड़ी हैं जो कि आपका एयरबैग का जो यूनिट है उससे आ रही है अब ये इस तरह से लगा है कि इसको खोलना नामुमकिन है अगर आप सोचेंगे कि इसको रिमूव करके ये रेड कलर का यहां पे देख रहे होंगे आप कुछ क्लिप जैसा लगा है तो इसको रिमूव करके आसानी से ये वायर निकल जाएगी बिल्कुल सरासर गलत तो मैं आपको तरीका बताता हूं पहले आप देखेंगे कि ये जो कपलर है अगर इसको मैं हिलाता हूं मतलब आगे पीछे मूव करता हूँ तो ये यहां पे आके फसा रख, फंस रखा है ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप एकदम ये आके फंस रखा है इसका लॉक फंस रखा है ये यहां पे तो ये जो लॉक है इसमें ये रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है इस कपलर को बाहर निकलने में तो हमें इसके पॉइंट को जो लास्ट वाला पॉइंट है इसे ऊपर उठाना है और कपलर को निकाल लेना है मैं आपको दिखाता हूं कैसे तो इसके लॉक के पास में पेचकस घुसा के मैंने ऊपर धकेला और यहाँ पे खींच लिया कपलर को तो कपलर मेरा बाहर आ गया अब इस कपलर के ऊपर में जो रेड कलर का यहाँ पे लॉक लग रखा है इसको स्क्रू ड्राइवर से ऊपर की तरफ में आपको उठाना है फुल्ली इसको जो है वो मतलब निकाल देना है बाहर फ्री कर देना है और नीचे में आप घुमा के देखेंगे यहाँ पर एक और लॉक लगा है इस लॉक को आपको पुश करना पड़ेगा मतलब ऊपर की तरफ में पुश करना पड़ेगा एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पुश करेंगे और इसको खींचेंगे तो आपका जो है वो कपलर आसानी से निकल जाएगा पर ध्यान रखिएगा खींचना इसको वायर से नहीं है आपको कपलर पकड़ के खींचना है अब ये कपलर जो है, आपका एकदम अलग हो चुका है, अब जो सबसे कपलर था वो यही था ब्लू बन जा रही है, ये का कपलर है। तो इसको तो खाली प्रेस करेंगे और ये बाहर निकल जाएगा उसके बाद में हमारा क्लॉक स्प्रिंग जो है उसको हम इस तरह से ऊपर उठा के साइड में हल्का सा टिल्ट करके ऐसे बाहर निकाल सकते हैं और क्लॉक स्प्रिंग मेरा अभी हाथ में है अब ये रिप्लेस इसको कर सकते निकालने का आपको पता चली गया कि टास्क इजी नहीं है मुश्किल है थोड़ा सा अगर ये कपलर वगैरह आप तोड़ देते हैं तो दिक्कत हो जाती है चलो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं अगर जो ओरिजिनल आपका हार्नेस में अगर जो कपड़ा लग रखा है अगर इसको आपने तोड़ दिया रेड वाले को फिर ज्यादा नुकसान की चांसेस हो जाते हैं क्योंकि फिर क्लॉक स्प्रिंग तो चलो ऐसा आ जाएगा आपको मिल जाएगा बट ये जो मेन हार्नेस के साथ में कपला लगा है ये आपको ऐसे का ऐसा नहीं मिलेगा वहां पे दिक्कत आपको क्रिएट हो जाएगी तो मेहनत लगती है खैर इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको मैं बता दूं इंस्टॉलेशन की वीडियो भी आपको मैं दूंगा अभी कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उसके बाद में फिर हो सकता है आपको खैर इनके बारे में भी बताऊंगा स्विचेस वगैरह के बारे में भी कैसे वर्क करते हैं क्या इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है इंस्टॉल कैसे किया जाता है हालांकि सबको पता है कि रिवर्स प्रोसीजर उसको चढ़ाना है वापस बट मेन चीज आपको ध्यान यही रखनी है कि ओरिजिनल पोजिशन में अपना ये सेट रहे जब मैं काम कंप्लीट वगैरह कर लूंगा तो इसकी खैर इंस्टॉलेशन की वीडियो भी आपको मिली जाएगी आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत